अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हमने स्टार्ट किया चैप्टर नंबर 9 और एक्सरसाइज 9.2। आज मैं आपको लास्ट पार्ट करवा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 8, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें देखिए, इफ़ कॉट थीटा 5/2 है और टर्मिनल आर्म्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, जो टर्मिनल आर्म्स हैं वो लाई कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अपने फाइंड करनी है वैल्यूज इसकी। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 किया था, एज इट इज ही क्वेश्चन नंबर 8 है। आपने क्या करना है, जस्ट वैल्यूज फाइंड करके इसमें पुट कर देनी है। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉट थीटा। अब आपको पता है जो कॉट थीटा होता है किसका इन्वर्स होता है, टैन का। तो हमारे पास जो कॉट थीटा है इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स ओवर वाई की इक्वल। तो एक्स हमारे पास यहाँ पे देखिएगा 5/2 है, मतलब हमारे पास जो एक्स है वो 5 आ गया और जो वाई है वो हमारे पास क्या हो गया, 2 आ गया। मतलब हमने आर फाइंड करना है, तो आर हम कैसे फाइंड करेंगे, बाय पाइथागोरस आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आएगी 5 का स्क्वायर, जबकि वाई का आएगा 2 का स्केयर हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे 5 का स्केयर 25 प्लस 2 का स्केयर 4, दोनों को प्लस कर लें, आपके पास अमाउंट आएगी 29 स्केयर रूट आ जाएगा। और यहाँ पे आर स्केयर है, ठीक है, 29 स्केयर रूट इसलिए आया है, यहाँ से हम दोनों साइड पे स्केयर रूट लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। तो आर की वैल्यू आपके पास आएगी स्केयर रूट 29, और 29 जो आर है आपको पता है ऑलवेज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ही रहता है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, ना नेगेटिव का ना ही पॉजिटिव का। अब हमने देखिएगा जो रिजल्ट है उसमें हमने फाइंड करना है साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो हमें साइन और कॉस की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ से पहले वो लाए कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में बता देते हैं कि वैल्यूज़ कहाँ पे कैसे आएंगी। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब ये हमारे पास आर है, ये हमारे पास इसका वाई है और ये है एक्स हो जाएगा। जबकि वाई हमारे पास यहाँ पे क्या है, वाई गिवन है 2, जबकि एक्स हमारे पास कितना है, एक्स हमारे पास 5 है और आर हमने फाइंड किया है आर इक्वल टू स्क्वायर रूट 29 के इक्वल है। अब हम यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा फाइंड करेंगे। हमारे पास साइन थीटा और कॉस, अब साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास है वाई ओवर आर, जबकि वाई की वैल्यू इक्वल टू है, ये हमारे पास आ जाएगी 2 ओवर स्क्वायर रूट 29, और जबकि हमारे पास कॉस थीटा है एक्स ओवर आर और एक्स की वैल्यू है हमारे पास 5 ओवर स्क्वायर रूट 29। हमने वैल्यूज फाइंड कर ली, आपके पास जो रिजल्ट है जिसकी वैल्यूज फाइंड करनी है 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा के इक्वल। 3 हमारे पास है साइन थीटा की वैल्यू है 2 ओवर स्क्वायर रूट 29,